हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिनामोन यानी दालचीनी की प्रभावकारी एवं खुशबूदार दुनिया में ले चलता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दालचीनी की आश्चर्यजनक लाभ सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे घर के किचन में अवेलेबल होता है, पर शायद आप इसके गुण से अपरिचित हैं। मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, बताता हूँ, डोंट वरी। आज आपको सिनामोन से परिचित कराते हैं। सबसे पहले सिनामोन क्या है, ये क्यों है और इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके बारे में जानिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। सिनामोन यानी दालचीनी। दालचीनी में सारे न्यूट्रिशन एंड विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सिनामोन के अंदर 80 से ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी को 80 प्रकार के विटामिन एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, थायमिन, रिबोफ्लाविन, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जिंक, इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे सिनामोन में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे बॉडी को इसकी सख्त जरूरत है। इन्हीं सब न्यूट्रिशन एंड विटामिन से हमारी बॉडी चलती है। लोग स्वस्थ रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए कैल्शियम की गोली, प्रोटीन का पाउडर खरीद खरीद के खाते हैं, पर आपके घर में ये अमृत पड़ा है और आपको खबर तक नहीं। सो इसकी वैल्यू को समझिए और इसका यूज कीजिए और उसके बाद देखिए क्या फर्क दिखता है। ये था दालचीनी का इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। नंबर एक, दालचीनी एक सुपर फूड है एवं एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये आपकी बॉडी की रक्षा करने वाला सुपर हीरो है, बीमारियों को दूर भगाने का ताकत रखता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, बैक्टीरिया, वायरस, रोग फैलाने के इरादे से आपकी बॉडी में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उससे धक्का मारकर वहीं बाहर निकाल देता है। मगर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो वायरस से लड़ नहीं पाते और वायरस उसे ही मारकर शरीर में घुस जाता है। इसका एग्जाम्पल COVID-19 का पेंडेमिक सिचुएशन था। सिर्फ वही लोग बच पाए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। नंबर थ्री, टाइप 2 वाले डायबिटीज यानी शुगर के मरीज के लिए वरदान साबित है। ये उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है। क्या बात कर रहे हैं? नंबर 4, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल में रखता है। नंबर 5, दालचीनी का प्रयोग उल्टी रोकने के लिए लाभप्रद है। लौंग का काढ़ा बनाकर 10 ml पानी में दालचीनी का पाउडर डाल दें और पी जाएं, उल्टी नहीं होगी। नंबर 6, खांसी एवं दमा के लिए रामबाण साबित होता है। खांसी से परेशान रहने वाले लोग आधा चम्मच दालचीनी के चूर्ण को 2 चम्मच हनी के साथ सुबह शाम सेवन करें, खांसी खत्म हो जाएगी। एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एंटीफंगल है एवं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी शामिल है इसमें। क्या बात है? नंबर 7, गठिया, हड्डी दर्द, घुटनों का दर्द एवं बदन दर्द के लिए ये तो कहना ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, 20 ग्राम दालचीनी पाउडर को 30 ग्राम हनी के साथ मिला दें, थोड़ा मेथी पाउडर भी मिला दें और उसमें थोड़ा सौंठ मिला दें। जब पेस्ट बन जाए तो सुबह शाम उसे जीभ पर रख के धीरे धीरे उसको सेवन करें। 7 से 8 दिन होते होते आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कितने भी पुराने दर्द हो वो जड़ से खत्म हो जाता है। क्या बात है? दालचीनी को लोग मसालों के रूप में सिर्फ जानते हैं, पर इसके ताकत को नहीं जानते। अच्छा, हमको सिखा दिया है। चाय पीने की अगर लत लगी है, नहीं छूटता है, तो दूध वाली चाय को बिल्कुल ना पिए, उसे टाटा बाय बाय करें। दूध वाली चाय की जगह आप काली चाय पिए। काली चाय कैसे बनाना है, तो पहले उसमें काली चाय बनाने के लिए भुजा हुआ जीरा, थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा चीनी, नींबू का रस और दालचीनी का पाउडर, इन सब को मिला दें चाय में और एक काली चाय तैयार करें और इसे सुबह शाम पिएं। जीवन भर निरोग, स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे, कभी कोई रोग दुख आ ही नहीं सकता। तो ये था दालचीनी यानी सिनामोन की जानकारी और इसके फायदे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का जानकारी एवं अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें।